आज का जो प्रोजेक्ट अपन देखने वाले हैं वो क्या है? ऑनलाइन बुक। ओके, अब ऑनलाइन बुक स्टोर के अंदर एक एडमिन होता है, ओके, जो क्या क्या कर सकता है। वो बुक्स की कैटेगरी डाल सकता है, ओके, और क्या कर सकता है, बुक को ऐड कर सकता है। ओके, तो ये उसका मेन काम है। क्या क्या करना? बुक का कैटेगरी ऐड करना, बुक को ऐड करना। और भी कुछ ऐड करना है क्या बुक के अंदर? नहीं, इतना काफी है। ठीक है, चलो। तो ये एडमिन का काम हो गया कि कैटेगरी ऐड करेगा और बुक ऐड करेगा। डन। इवन मो क्या चेक कर सकता है कि कितने लोगों ने कुछ चीजें क्या बाय किया है, लेकिन ये तब करेंगे हम लोग जब अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला और यूजर वाला। अभी यूजर क्या करेगा? यूजर लॉगिन करेगा, बराबर, तो उसका रजिस्ट्रेशन होएगा, और रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर ही उसका लॉगिन होएगा, बराबर। अब रजिस्ट्रेशन होना है, लॉगिन होना है, तो इसके लिए भी कुछ टेबल्स होने चाहिए, तो वो हम लोग डिफाइन करेंगे बाद में। अब यूजर क्या करेगा? कार्ट में ऐड करेगा बुक्स को। ओके, एड बुक्स टू कार्ट। देन कार्ट के अंदर मैंने उसको डाल दिया, उसके बाद में क्या करेगा? बाई करेगा। क्या करेगा? तो इन चीजों को करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? नीड टेबल्स, राइट? ओके, सो एक मास्टर पेज रहेगा एडमिन के लिए, एडमिन मास्टर, और एक रहेगा मास्टर यूजर के लिए, तो वो है यूजर मास्टर। ठीक है, उसके अंदर बाकी के पेजेस आ जाएंगे। अब ऐड कैटेगरी करना है, ऐड बुक करना है, यूजर को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम लोग एडमिन का पार्ट कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो एडमिन के पार्ट के अंदर मुझे बुक्स को ऐड करने का है, कैटेगरी को ऐड करने का है, तो कैटेगरी विल बी द मेन टेबल, मतलब उसका पैरेंट टेबल है, मतलब कैटेगरी एक टेबल हो जाएगा, टीबीएल कैटेगरी। ओके, अभी इसके अंदर मैं बोलूंगा कैटेगरी को आईडी मिलेगा और कैटेगरी नेम मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐड करने का काम एडमिन का है। देन बुक्स ऐड करने का है, तो ऐड, इसको मैं टीबीएल प्रोडक्ट्स बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ? अरे प्रोडक्ट्स क्यों बोला मैंने? क्योंकि यार बुक्स आर नथिंग बट प्रोडक्ट्स। ओके, तो आईडी बोल दिया, प्रोडक्ट नेम बोल दिया, मतलब प्रोडक्ट नेम मतलब क्या? बुक का नाम। देन प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। देन क्या चाहिए? प्रोडक्ट का कैटेगरी चाहिए, ठीक बराबर। देन क्या चाहिए? प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? काफी है ना इतना? ओके, प्रोडक्ट यूनिक कोड और प्रोडक्ट कोड। अब ये प्रोडक्ट कोड और आईडी डिफर करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट कोड जो रहेगा वो हर बुक का अलग रहता है, जो अपन अलग अलग वेबसाइट से ले सकते हैं। बुक्स का एक नंबर आता है, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन हर एक बुक को हम लोग दो इमेजेस डालने वाले हैं। तो वो इमेज वन है, प्रो इमेज वन, देन दूसरा प्रो इमेज टू। तो ये हम लोग ने डिफॉल्ट डाल दिया। अगर मल्टीपल डालने के रहेंगे जिसका कोई लिमिट नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को अलग सा टेबल बनाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तुम्हारे लिए। डन। देन द नेक्स्ट थिंग, हम लोग प्रोडक्ट को इनेबल डिसेबल करने का फीचर रखना है नहीं क्या रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, एक्चुअल में देखने को जाएंगे तो प्रोडक्ट कभी भी इनेबल या डिसेबल हो सकता है, बट डिलीट नहीं हो सकता। ओके, वी कांट डिलीट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वर्क ऑन इट। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगेगा? डेटाबेस लगेगा। तो हम लोग एक डेटाबेस बना लेते हैं।
डेटाबेस का नाम है db_bookstore। So in databases we will able to see that। अब tables के अंदर हम लोग एक नया table add करते हैं। पहला तो category वाला, how much time we are wasting in loading, हो रहा है ना? डेवलपर का कभी टाइम लोडिंग में नहीं जाना चाहिए। आईडी इट विल बी न्यूमेरिक, मैंने टाइप तो कर दिया है। ओ, जवाब दे दिया इसने। ये न्यूमेरिक होना चाहिए और बाद में यहाँ पे कैटेगरी का नेम होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया है, तो इसी को कॉपी कर लो और यहाँ पे कैटेगरी नेम को पेस्ट कर दो। ओके, कैटेगरी नाम वायर क्या होगा और उसका लेंथ 50 होगा, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। लेट्स सेट इट एज प्राइमरी की, आईडी को कर दिया। सेव दिस टेबल, टेबल का नाम है टीबीएल क्या। ओके, देन आई नीड एन अनदर टेबल, आवर लोडिंग टाइम इज ज्यादा। अब ये न्यूमरिक है, हम लोग प्रोडक्ट टेबल बना रहे हैं। ओके, तो प्रोडक्ट का नाम वैरकैर, 50 इज इनफ। देन प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वैरकैर, 1000 इज इनफ। देन प्रोडक्ट कैटेगरी न्यूमेरिक होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो कैटेगरी हम लोगों ने बना के रखा है टेबल, उसके अंदर आईडी न्यूमेरिक ही है। प्रोडक्ट का प्राइस न्यूमेरिक होना चाहिए। प्रोडक्ट का कोड अल्फा न्यूमेरिक है तो वैरकैर। देन प्रोडक्ट का इमेज वैरकैर रहेगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 5 स्टोर करेंगे। देन प्रोडक्ट का इमेज 2। डन, इसको प्राइमरी की, इसको फॉरेन की बनाने का जरूरत नहीं, हम लोग अदर वे में मैपिंग कर देंगे। ओके, या फिर इसको प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी लिख दो तो हमको समझ में आ जाएगा इजीली। ओके, लेट्स सेव इट, लेट्स सेव द टीबीएल अंडरस्कोर व्हाट प्रोडक्ट। श्योर, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हैव एन एडमिन पैनल। तो हम लोग बूटस्ट्रैप के ही एडमिन पैनल को चुराने वाले हैं। ओके, सो दिस पैनल लुक्स बेटर। तो आप चाहिए तो इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। ओके, सो हियर वी आर हैविंग अ ड्रॉप डाउन, यहाँ पे मेल्स और ये सारा चीजें है, डैशबोर्ड है, कंपोनेंट्स है, यूटिलिटी है। सो दिस थिंग्स वर्क्स प्रॉपरली, राइट? सो वाई कांट वी यूज दिस। अब इसको कैसा यूज करने का है मैं आपको बता देता हूँ पहला। ओके, सो आई जस्ट हैव अ